आदरणीय डॉक्टर अजय हार्दिया, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। सर, डॉक्टर अजय हार्दिया जी, सर आपसे सवाल है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में इस वक्त थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर पेशेंट ज्यादा आते हैं, तो ऐसे मरीजों पर आप इलाज में कितना सफल हुए? नमस्कार, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में एक यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जा रहा है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर का इलाज जो होता है बहुत ही तकलीफ भरा होता है, बहुत पेनफुल होता है, और तीन प्रकार से उसका इलाज होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। और इसके बाद पेशेंट्स को पेन होना स्टार्ट होता है, रिकरेंस होता है, और उस स्टेज के अंदर हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उन मरीजों को मॉर्फिन पर डाल देते हैं और बोलते हैं कि उनकी सेवा करिए, और मरीज बहुत तड़पता है। तो देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है। हम लोग बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी कैंसर का इलाज करते हैं, वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो या फोर्थ स्टेज का कैंसर हो, और वो हम इलाज करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। हमारी मेडिसिन पूर्ण रूप से हर्बल है, नेचर से जुड़ी हुई है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है और एंटी ऑक्सीडेंट है। मतलब हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से कीमोथेरेपी जब हम देते हैं तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम कम होता है और साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। बीमारी कम होती है परंतु तकलीफ ज़्यादा होती है, परंतु हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने से कैंसर का जो ट्यूमर होता है, उसका लीजन होता है, उसको साइज को कम करती है, उसके कॉम्प्लिकेशन को ठीक करती है, ब्लीडिंग यदि होता है उसको बंद करती है, वॉमिटिंग होता है उसको बंद करती है, पेशेंट खा नहीं पा रहा है वो खाना स्टार्ट कर देता है। हमारी मेडिसिन कोई भी प्रकार का कैंसर हो, वो ब्रेन ट्यूमर हो या लंग कैंसर हो या इसोफेगस कैंसर हो, कोलन कैंसर हो, रेक्टम कैंसर हो, या मैं कहूँगा कि ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं है। केवल हम बोन मोरो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, परंतु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में हमारे हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों को इलाज किया जाता है जो ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, और उन मरीजों का वो पूर्ण रूप से क्योर भी हो रहे हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी है और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिया जी। मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये लोगों से कहना चाहूँगा कि ये बाकायदा ये जो कह रहे हैं ये सत्य है और प्रमाणित है, क्योंकि मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, आप ग्रसित हो गई थी कैंसर से पेट के, और जिस वक्त उन्हें बड़ा तकलीफ हुई थी, बड़ी तकलीफ हुई थी, तो सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तब होम्योपैथी से मैंने उनका इलाज करवाया था और वो बाकायदा पूरा कैंसर जो है वो निकल गया। तो ये जो आप कह रहे हैं ये सच है बहुत, और वाकई बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान तो मंदिरों में लोग यहाँ जा के लोग देखा करते हैं, ढूंढा करते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग जो है, जो जिस वक्त व्यक्ति जो है वो कष्ट में हो या बीमार हो, आप जैसे ही लोग वैसे ही भगवान की तरह दिखाई देने लगते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस तरह आप इलाज कर रहे हैं बिना केमो के, और जो पेशेंट है वो तड़पता नहीं है, कष्ट नहीं भोगता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे। डॉक्टर अजय जी से मेरा सवाल है, और मेरा सवाल ये कि देखिए सर, हम बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं कि जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाए, फोर्थ स्टेज में कैंसर पहुंच जाए, तो हम किस तरह से सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जब कोई मरीज आता है सर, और जब उसके परिवार वालों को भी पता चले कि कैंसर है, तो सब भयभीत हो जाते हैं। तो आपसे इस मंच से ये जानना चाहेंगे कि क्या किया जाए सबसे पहले? मैं कहना चाहूँगा कि जो कैंसर जो होता है एक सिम्टम्स के रूप में आता है, और जब डायग्नोस्टिक में हम जब जाते हैं तो हम बहुत लेट हो गए होते हैं। कैंसर 6 महीने या साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है एक सिम्टम्स के रूप में। भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं सर में, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ये सिम्टम्स रूप में आ रहा है। हम जब किसी हमारे जनरल प्रैक्टिस पर जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं, उस एंटीबायोटिक से हमें फायदा नहीं होता है, क्योंकि कैंसर के अंदर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप सीटी स्कैन करा लीजिए, एंडोस्कोपी करा लीजिए,
MRI करा लीजिए, और जब हम ये जब जांचें कराते हैं तो पता लगता है कि हमें थर्ड स्टेज कैंसर है, फोर्थ स्टेज कैंसर है, और उस समय जब पता लगता है कि अब परिवार वाले सोचते हैं कि अब इनकी लाइफ तो बची ही नहीं है, मतलब हम बीमारी से पहले ही हार जाते हैं और वहीं से हमारी निगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो यदि ऐसा नहीं कि कैंसर से जीता नहीं जा सकता है, कैंसर की जंग को जीती जा सकती है, उसके लिए हमें हौसला रखना होता है और हमारी जितनी विल पावर होगी, हमारे हार्मोन्स पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम जनरली क्या होता है कैंसर के अंदर, कैंसर की जो डाइट होती है कैंसर सेल्स की, वो प्रोटीन होता है, और हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट है जब कीमोथेरेपी देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो अपनी प्रोटीन डाइट को डबल कर देते हैं, वो प्रोटीन कैंसर सेल्स का भोजन है, तो कैंसर कैसे ठीक होगा जब कैंसर के सेल्स फिर डेवलप होते रहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो मरीज हैं उनको प्रोटीन डाइट पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, और प्रोटीन डाइट बंद करेंगे कैंसर के सेल्स को उसका भोजन नहीं मिलेगा और कैंसर ठीक होना स्टार्ट होगा। बात वहीं पर आती है कि लाइफस्टाइल, हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। जनरली हम देखते हैं कि कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है, एक तो पेस्टिसाइड्स जो हमें भोजन के रूप में मिल रहा है, हमारी थाली में हम जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड के रूप में मिल रहा है, क्योंकि गेहूं हो, कोई भी अनाज हो, कोई भी वेजिटेबल्स हो, वो बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना खाद के नहीं मिल रही है, और पेस्टिसाइड एक जहर है और यही हमारे शरीर के अंदर पॉइजन आ रहा है और हजारों बीमारियों को वो जन्म दे रहा है। तो एक मुख्य कारण ये है। दूसरा ये है कि हमारे जो युवा हैं वो टोबैको का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो रहा है। टोबैको खाने से हम देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं जो 20 साल से 35 साल 40 साल के लोग टंग कैंसर और बकल कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, और हम देखते हैं कि जब कैंसर होता है तो वो मरीज होता है 6 महीने साल भर भी अपनी जीवन को निकाल नहीं पाता है। तो यही कारण है कि कैंसर बढ़ रहा है। तो एक तो यह है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो इन सब चीज़ों को छोड़ें, तम्बाकू ना खाएं, अल्कोहल का उपयोग ना करें या बहुत कम उपयोग करें, और यदि कैंसर हो जाए तो उससे लड़ने के लिए एक तो प्रोटीन डाइट छोड़ें, क्योंकि हम जो इलाज कर रहे हैं वो नेचुरल इलाज है, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इलाज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होम्योपैथी से बिल्कुल डिफरेंट है, मैं सर बताना चाहूँगा गोविंदा जी कि होम्योपैथी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 114 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। हम इसको इलेक्ट्रो इसलिए बोलते हैं कि जो नेचर में जो एनर्जी होती है, जो हमारे जो प्लांट्स हैं जो सनरेज की उपस्थिति में अपना भोजन लेते हैं, वो प्लांट्स को हम उसको एक्सट्रैक्ट रूप में हम कोवेशन मेथड से उसकी निकालते हैं और उसके अल्कलॉइड्स को निकाल देते हैं। तो जब प्लांट्स के अल्कलॉइड्स निकल जाते हैं तो वो उसके अंदर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो हमारी मेडिसिन में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा है कि हमारी मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, तो ये हर प्रकार को कैंसर को ठीक करने की क्षमता रखती है। दूसरा हम बोलते हैं कि हमारे हम कहते हैं एलोपैथी के अंदर बीमारी का कारण वायरस बैक्टीरिया होता है, हम आयुर्वेद में बोलते हैं वात पित्त कफ होता है, वैसे हम इलेक्ट्रोपैथी में हम बोलते हैं कि बीमारी होने के कारण हमारे शरीर में दो वाइटल फ्लूइड है, ब्लड एंड लिम्फ, वो नॉर्मल एनर्जी के साथ फ्लो होते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और यदि उसमें किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर हमें बीमारी होना स्टार्ट होती है। तो हमारी जो मेडिसिन है वो ऐसी मेडिसिन है कि जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरीफाई कर देती है और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। कैंसर तो सबसे बड़ी बीमारी है, इसके अलावा स्किन डिसीज हो, अस्थमेटिक डिसीज हो, हम कहते हैं कि 5 प्रकार की बीमारियां हैं जिसको पैलिटिव केयर में लिया है। ब्रेन संबंधी से एक बार स्टीरिया एपिलेप्सी हो जाए तो कभी ठीक नहीं होता है, एक बार ब्लड प्रेशर हो जाए तो कभी ठीक नहीं होता है। हमारे डॉक्टर ये नहीं बोलते हैं कि आपको 1 घंटे आपको वॉक करना चाहिए, आपको चलना चाहिए, वो बोलते हैं कि आप तो ये मेडिसिन ले लीजिए। यदि हम 1 घंटे वॉक करेंगे, हमारी कैलोरी को हम बर्न करेंगे, तो हम ब्लड प्रेशर से बाहर आ जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर भी केवल हम मैनेज करते हैं मेडिसिन के द्वारा, ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होता, ब्लड प्रेशर बाद में फिर एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो जाती है। किडनी डिसीज हम देख रहे हैं कि बहुत इस समय हो रही है, और एक बार डायलिसिस में मरीज जाता है तो फिर वहां से बाहर नहीं पाता, किडनी ट्रांसफर करना होता है। परंतु हमारी मेडिसिन ऐसी, हमने भी किडनी पे भी रिसर्च किया है, और ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, हम अपने हॉस्पिटल में उनको एडमिट करते हैं और हाइड्रोथेरेपी हम देते हैं। सर गोविंदा जी, हाइड्रोथेरेपी, उसके अंदर हम पेशेंट को एक टब के अंदर
40 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको बिठाते हैं नेक तक, उसको पानी डाल के और मेडिसिन हम लगाते हैं, तो उसकी बॉडी सेल्फ डायलिसिस करना स्टार्ट कर देती है और जो डायलिसिस मशीन जो काम करती है वही हमारा हाइड्रोथेरेपी यूनिट काम करती है और वहाँ से उसका जो किडनी हाइपरट्रॉफी होती है, एट्रोफी होती है, तो सिकुड़ी होती है या फैली हुई होती है तो दोबारा से काम करना स्टार्ट करती है, यूरिन का फ्लो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि वो मरीज छः महीने या साल भर के अंदर वो डायलिसिस से बाहर आके वो ठीक हो जाता है, तो किडनी वापस से रिग्रो हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं जी। और एक्टिवेट हमारे लाइफस्टाइल को हम चेंज करके हमारे भोजन को हम परिवर्तित कर दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि हमारा फोर्थ स्टेज या थर्ड स्टेज के मरीज आते हैं, वो मरीज ऐसे हैं जो टाटा से एम से वहाँ से डॉक्टर बोलते हैं कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, और जब हमारे पास आते हैं तो ऐसे भी मरीज हैं जो मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होते हैं, परंतु हमारे हॉस्पिटल में वो मरीज भी ठीक हो गए। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन ऐसी है, मैं कहूँगा कि ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है, आने वाले 10 सालों में 20 सालों के अंदर ये मेडिसिन बहुत ज्यादा काम करेगी क्योंकि एंटीबायोटिक फेल होती जा रही है। हम देखते हैं कि वायरल डिसीज के अंदर एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है, इसलिए हम कोरोना जैसी बीमारी से पीड़ित हुए, परंतु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन हमारी मेडिसिन है जो वायरल डिसीज पे भी वर्क करती है। और हमने हमारे हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स को भी हमने ठीक किया, तो हमारी जो हमारा हॉस्पिटल है वो जो नेचुरोपैथी पर काम कर रहा है, नेचुरल डिसीज तो नेचुरल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट निकाल के काम कर रहा है और मरीज ठीक हो रहे हैं। सर आप सभी को वह बहुत, आज देखिए ये बहुत ही ये जो चर्चा विषय था ये समझाता है कि हम लोग का देश क्या कमाल का ये देश है और कितने वर्ष पहले ये सब विद्याएं लिख दी गई हैं जो आज बहुत पढ़ने लिखने के बाद आज आप टॉप पोजीशन पे आके आप वही दिनचर्या डिस्कस कर रहे हैं, आप वही फिर से पुनः पुनः वही कह रहे हैं कि कैसे आप क्या क्या योजनाएं करेंगे, और आप जो कह रहे हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और आप जो कह रहे हैं वही लक्षण कह रहे हैं। तो रूप शास्त्र हुआ करता था, मात्र देख ले आदमी जो कहीं किसी की तरफ ना, ये पूर्णतः शास्त्र था। मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो वाक्य हो जाते हैं, जो वाक्य तरीके से निकलते हैं मंत्र हो जाते हैं, जो और प्रेम से उमड़ के बाहर निकलते हैं आशीर्वाद हो जाते हैं। तो ये जो जो चीजें हैं ये सब शास्त्र शुद्ध पहले ही कह दी गई है, आज इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद पुनः हम वही सब आप योग प्राणायाम कह रहे हैं, आप दिनचर्या कह रहे हैं, आप यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे कह रहे हैं, वही सच है, वही शिव तत्व है कि जिसमें हम जो जो हमें ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वही आपके पिंड में है और उसकी आवश्यकता वो ब्रह्मांड ही पूर्ण कर सकता है, और कहीं आप जाइए वो दवाई के रूप से लेना, दवाई के रूप से लीजिए या तो अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण मतलब है आप वहां से ले सकते हैं जैसा चाहे वैसे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत ही ये आज आप लोग के साथ और क्या प्रेम से आप लोगों ने सत्यता को प्रकट किया लोगों के सामने, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो सदैव कहा करता हूं कि ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव, अर्थात जो शुभ है वो यहाँ आए, जो अशुभता है वो कहीं दूर निकल जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गोविंद। और अब मंच पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अजय हार्डिया जी को, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। कैंसर को हराना है, भारत को जिताना है की सोच को ध्यान में रखकर बिना कीमो बिना रेडिएशन से कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन द्वारा इलाज कर रहे हैं। कैंसर के मरीजों को जीने की एक नई आशा इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में मिलती है, जिसके चलते भारत के अलावा दूसरे देशों से भी मरीज आपसे इलाज प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और अब नेक्स्ट अवार्डी की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र कछावा, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक।